तो दोस्तों आज हम आपको चकवा चकवी दो प्रेमी जोड़ों के दुखंत कहानी को बताने जा रहे हैं। दोस्तों भगवान ने इस धरती पर अपना एक अलग ही जोड़ा बनाकर भेजा है और दोस्तों उन जोड़ों का साथ जब तक जीते हैं तब तक रहता है, यानी जीवन पर्यंत उनका साथ रहता है। लेकिन इस धरती पर एक जोड़ा ऐसा भी है जो दिन में तो साथ रहता है लेकिन शाम ढलते ही अलग हो जाता है, यानी एक दूसरे की ओर मुंह भी नहीं करते, यानी एक शाम होते ही वे मुंह मोड़ लेते हैं। और दोस्तों यह जोड़ा है चकवा चकवी का। दोस्तों ये चकवा चकवी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं और इनके पीछे कई दंत कथाएँ कहानियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों उन्हीं दंत कथाओं को पढ़कर चुनकर मैं आज आपको चकवा चकवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों चकवा चकवी एक ऐसा पक्षी है जो रात को विरह वेदना में रोता रहता है और सुबह होते ही वापस ये जोड़ा एक दूसरे के पास चला जाता है। दोस्तों ये चकवा चकवी जल मुर्गी के साइज का ही होता है। दोस्तों चकवा चकवी के बारे में कहा जाता है कि उनको देवताओं द्वारा एक श्राप दिया गया था जिसके कारण ये दोनों जोड़ा एक दूसरे से अलग हो जाता है शाम के ढलते ही और सुबह होते ही वापस एक दूसरे को मिलने लगते हैं। दोस्तों कहते हैं कि किसी ज़माने में किसी प्रेमी जोड़े पर देवता कुपित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि वे दिन में तो साथ रह सकेंगे लेकिन रात भर उन्हें अलग रहना पड़ेगा। और यही प्रेमी जोड़ा चकवा चकवी के रूप में आज आप देख सकते हैं। रात में जब नर नदी के दूसरे किनारे मादा को पुकारता है तो वह ध्वनित होता है, आ जाओ। जवाब में चकवी की आवाज़ नहीं आओ कहती सी लगती है। रात के अंधेरे में यह आवाज़ उदास और दर्द भरी लगती है। और दोस्तों चकवा चकवी के बारे में कबीर दास ने एक दोहा भी लिखा है। चकवा चकवी के बारे में कबीर दास ने कहा है कि चांज पड़े बीत बे चकवी दीनी रोए, चल चकवा व देश को जहाँ रैन नहीं होए। अर्थात जैसे ही चाम डलती है चकवी वीरा वेदना में रोती हुई चकवे को कहती है कि हे चकवा, मुझे ऐसे देश में ले चल या ऐसी जगह ले चल जहाँ पर रात नहीं होती हो।